हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेव चैप्टर से फिजिक्स क्लास 11 से फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। आइए फर्स्ट हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन स्ट्रेस स्ट्रेन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक इन स्ट्रेस स्ट्रेन। द फर्स्ट फोर हार्मोनिक्स आर इन रेशो 1:2:3:4। एक इस तरह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, डिफाइन स्टेशनरी वेव, एक्सप्लेन द हार्मोनिक्स इन स्ट्रेस स्ट्रेन। तो ये करते स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पूछा गया स्टेशनरी वेव होता क्या है, व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज टू ईच अदर रिजल्टेंट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। यानी अगर मैं आपको इसके डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा, जब आपकी दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका सेम एम्पलीट्यूड है सेम फ्रीक्वेंसी है और वे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो सुपर इम्पोज होती है वो स्टेशनरी वेव को फॉर्म करती है। इसका आर्टिकल करते हैं, मान लीजिए कंसीडर स्ट्रिंग, मान लीजिए जिसकी लेंथ एल है, उसको स्ट्रेच किया गया है अंडर टेंशन टी। ये टेंशन आपकी माइंड वाली नहीं है, ये फोर्स है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाई, जो फार्मूला होता है हमारा वेलोसिटी का, ये फार्मूला होता है वी टी बाई एम, इसका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी का फार्मूला है टेंशन, और यहाँ पे टी क्या है टेंशन स्ट्रिंग, एम क्या मास पर यूनिट लेंथ है। अगर मान लो अब आपका क्या है, एट ए फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग वेव रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम रिजिड बाउंड्री एंड फॉर्म स्टेशनरी वेव फॉर्म करती है। मैं आपको अगर डायग्राम के द्वारा दिखाऊँ, मान लीजिए ये आपका है रिजिड सपोर्ट, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ये कोई स्ट्रिंग है, ये आपका क्या है टू रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे आपका ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, एल लेंथ का ये स्ट्रिंग है आपका। ये स्ट्रिंग है और ये आपके क्या है ये रिजिड सपोर्ट है, ये सपोर्ट है रिजिड सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एंड ये फिक्स्ड एंड है स्ट्रिंग के, और जब आप उसको क्या है आप जब वेव रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, आपने वेव प्रूफ की यहाँ रिफ्लेक्ट वापस टकराएगी तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। और यहाँ पे अगर मान लो अभी आपका क्या था, ये आपका रिजिड सपोर्ट था, ये स्ट्रिंग था आपका, जब क्या करते हैं आप इसको हल्का स्ट्रेस करते हैं, हल्का से इसको स्ट्रिंग को स्ट्रेस किया, मान इस तरह आपने इसको स्ट्रेस किया तो इसको जब छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा वापस कैसे आएगा स्ट्रिंग, इस तरह से आएगा। तो ये वेव इंसिडेंट, ये कौन सी रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर आप देखेंगे ये इंसिडेंट और ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव, ये सुपर इम्पोज करेंगे तो हमारी ये क्या फॉर्म होगी आपकी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। ये था आपका रिजिड सपोर्ट इस तरह, तो इसके अंदर बिल्कुल सेम वही है, लेंथ अब भी हमारी कितनी है, लेंथ आपकी अब भी एल ही है, एल आपकी लेंथ थी। अब क्या फॉर्म होंगे आपके नोड एंटी नोड फॉर्म होंगे ये हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एल लेंथ है इसके बीच में यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को बोलेंगे हम एन, ये हो गया एन टू और ये हो गया आपका एन वन। कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, ये नोड है, और ये वाला जो मैक्सिमम इसको बोलते हैं एंटी नोड, ये वाली जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये वाला, इसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड। यानी ये जो पॉइंट मिला आपका यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है इसको बोलते हैं एंटी नोड। अगर मैं इसको ए वन से दिखाऊँगा आपका, ए वन
तो देखिए यहाँ से ये आपका सिंगल स्ट्रिंग था, जब आपने इसको जरक दिया तो ये आपका क्या है, आपके इंसिडेंट, ये आपके रिफ्लेक्टेड, तो ये टू नोड फॉर्म हुए, एन वन एन टू और वन एंटी नोड फॉर्म हुआ। तो अगर मैं क्या लिखता हूँ इसको, इसको मैं लिखता हूँ एल, तो क्या हो गया आपका ये एल कितना हो गया, एन वन इन टू एन टू जो टोटल लेंथ होगी आपकी, और ये कितनी है अगर आप देखेंगे, ये क्या आपकी, ये आपकी ये हाफ है, तो ये क्या है लैम्डा बाई टू है, फुल क्या होती है आपकी लैम्डा होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये आपकी लैम्डा वन ले लेता हूँ इसको, लैम्डा वन बाई टू, और यहाँ से आप निकालेंगे तो अगर देखिए आपका लैम्डा वन कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू एल, ये आपकी ये आ गया है। अब हमारा मकसद क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है आपकी जो वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी सी बाई लैम्डा, यानी वेलोसिटी बाई में लैम्डा होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक जो होगी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, मान लो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होती है वेलोसिटी बाई में लैम्डा होती है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, मान लो हमारी वन है और वेलोसिटी क्या आपकी वी है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे वेलोसिटी की, अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए आपकी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी है आपकी टी बाई एम का स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा इसका, ये आपका ये आ गया, ये तो वेलोसिटी की वैल्यू थी टी बाई एम, टी बाई एम का स्क्वायर रूट, और लैम्डा क्या है, अभी पी पढ़े आपने लैम्डा कितना था, देखिए यहाँ से लैम्डा था लैम्डा वन टू एल, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे ये आ गया वन बाई में टू एल। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई आपकी वन बाई टू एल, और ये हो गया आपकी वेलोसिटी जो कितनी आपकी टी बाई ये स्मॉल एम ले लीजिए, स्मॉल एम है, स्मॉल एम। तो ये फर्स्ट आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक की, ये आपकी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक को हम बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स कहते हैं। अब ये फर्स्ट था, इससे नेक्स्ट केस देखते हैं, जब आपका थ्री नोड्स फॉर्म होते हैं, अगर यहाँ पे देखिए आप कितने हैं टू नोड फॉर्म हुए वन एंटी नोड फॉर्म हुआ है, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू नोड्स एंड वन एंटी नोड्स फॉर्म हुआ है फॉर्म्ड। अब आपका जब थ्री नोड्स और टू एंटी नोड फॉर्म होते स्ट्रेस स्ट्रेन के, इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, सेम वही लेता हूँ जो आपका ये बिल्कुल ऊपर वाला था, ये आपका रिज सपोर्ट हो गया है, तो किस तरह रिफ्लेक्ट होके आएगी ये, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आएगी आपकी, ये था आपका रिज सपोर्ट, ये अभी आपकी कितनी है, ये एल ई लेंथ है इनके बीच में, ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप देखिए आपके जो नोड फॉर्म हुए हैं वे कौन से फॉर्म हुए हैं आपके एंटी नोड, ये इधर आपका ये हो गया आपका एन वन एन टू, देखिए ये हो गया मान लो आपका एन वन, ये जो नोड है ये कौन सा है एन टू, और ये नोड कौन सा आपका एन थ्री है। अगर आप देखेंगे और आपके जो एंटी नोड फॉर्म हुए, एक तो वाला ये हुआ आपका, एक यहाँ पे मैक्सिमम
तो ये आपका जो एंटी नोड है इसकी वैल्यू ये आपका लिख देते ए वन, ये क्या है ए टू है। अब इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपका जो एल है यानी जो लेंथ एल है वो किसके बराबर है आपकी एन वन एन टू एंटी नोड ही एन टू एन थ्री। और एन वन ये देखो ये भी क्या है लैम्डा बाई टू, ये भी क्या है लैम्डा बाई टू है। तो मैं लिख सकता हूँ मान लीजिए इसको दो से दिखाता हूँ लैम्डा टू बाई टू जमा में लैम्डा टू बाई टू, ये सिंबल है आपका लैम्डा टू दिखाने का। फर्स्ट के लिए लैम्डा वन लिया था, यहाँ पे लैम्डा टू लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी एल आ गई वो कितनी आ गई है, हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा टू लिख सकते हैं। तो हमारा जो मेन है हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितने फॉर्म हुए आपके, ये आपके जो ए वन और ए टू है यहाँ पे एन वन एन टू एन थ्री नोड है, ए टू ए वन ए टू क्या है एंटी नोड है। तो जो आपकी देखिए अब हमें क्या निकाली, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको मैं न्यू ट्यू से दिखाऊँ ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी बाई में क्या आ गया लैम्डा टू आ गया है। यानी कि हमारा अब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका जो वेलोसिटी है वो तो बिल्कुल सेम, कोई वैल्यू बदले तो गई नहीं, वेलोसिटी आपकी जो है ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए है सिंपल जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है वेलोसिटी बाय में लैम्डा, थोड़ा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का। आप चाहे तो सिंपल एफ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितनी थी, ये था टी बाई एम का स्क्वायर रूट और लैम्डा कितना है वन बाई में आपकी बार कितनी है वैल्यू एल है। तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हारमोनिक्स इज गिवन बाई क्या आ जाएगी न्यू टू लिखाता हूँ, ये कितना आ गया आपका वन बाई एल स्क्वायर रूट और वेलोसिटी कितनी थी टी बाई एम, ये हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी जो अब आपने निकाली है जो फ्रीक्वेंसी है सेकेंड हारमोनिक्स की इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी तो सेकेंड है हारमोनिक्स है लेकिन इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवर टोन। अब जो नेक्स्ट है आपका, अब हमारे अगर फोर नोड्स हो और थ्री एंटी नोड्स फॉर्म होते हो तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट केस क्या है आपका, मान लीजिए आपका स्ट्रिंग था स्ट्रिंग बिल्कुल सेम वही, इसके अंदर आप पहले ही बना भी सकते हैं बाद में। तो थ्री में क्या है आपका भाई, आपका ये वन ये टू वही हो गया थ्री। तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसे आएगी आपकी, वो इस तरह आएगी इस तरह से, ये आपके रिजिड सपोर्ट है तो अब हमारे यहाँ पे देखिए जो एंटी नोड फॉर्म हुए हैं वो एंटी नोड कौन से हैं आपके, एक तो एंटी नोड ये हो गया सॉरी नोड, ये नोड है आपके वन टू थ्री फोर, ठीक है ना, वैन फोर नोड फॉर्म। तो एन वन ये क्या है एन टू, ये एन थ्री और ये क्या है एन फोर है। और जो आपके एंटी नोड फॉर्म हुए फर्स्ट ए वन ए टू ए थ्री, ये थ्री एंटी नोड आपके फॉर्म हुए हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ये क्या आपका ए वन ये ए टू और ये हो गया आपका ए थ्री। अब यहाँ से आप लेंगे तो आपकी जो एल है ये जो हमारा एल है टोटल लेंथ थी हमारी कितनी थी, ये भी उतनी है आपकी एल है ये आपका हो गया देखिए n1 n2 n1 n2 n2 n3 n3 n4 और आप देखिए लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू यानी कितने हो गए थ्री लैम्डा बाई टू हो गया है।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे आपकी जो लेंथ आ गई है ये कितना आपका ये है, मान लो इसको हम लैम्डा थ्री से दिखाते हैं, लैम्डा थ्री बाई पोर्शन देखिए अब कितना है, टू है, ये सिंबल यूज किया इसके लिए थ्री, तीसरी हारमोनिक्स के लिए ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपकी जो एल आ गई ये कितनी है, थ्री, ये हो गया आपकी जो है। तो अभी यहाँ पे आप निकालेंगे जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका फार्मूला, मान लो थ्री ले लेते हैं, ये क्या सेम वही वेलोसिटी बाई में, वेलोसिटी बाई में लैम्डा थ्री आ जाएगा। और यहाँ से आप लेंगे तो वेलोसिटी कितनी थी आपकी, वही टी बाई एम थी, और इसका क्या था स्क्वायर रूट था, और लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी आई अभी, अगर आप यहाँ से निकालेंगे ये देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा थ्री कितना आ गया आपका, ये दो क्रॉस में गया, टू एल बाई थ्री आ गया। और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप वन बाई में रखेंगे, यानी कि आपने रखा यहाँ पे वन बाई में लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपका टू एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी थर हारमोनिक्स आई वो क्या ऊपर जा क्या हो गई आपका थ्री बाई टू एल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना थी वेलोसिटी के लिए था टी बाई में एम। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी थर्ड हारमोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आ गई थ्री बाई टू एल स्क्वायर रूट टी बाई में एम, ये आपकी इस फ्रीक्वेंसी को हम जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो थर्ड हारमोनिक्स है इसको हम सेकेंड और टोन कहते हैं। अब हम देखिए हमारी फर्स्ट हारमोनिक्स आई आपकी ये वाली, सेकेंड हारमोनिक्स क्या ये आपकी आई, क्या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो कितना ही ये देखिए आपका टी बाई में क्या है एम का स्क्वायर रूट था, और यहाँ पे क्या था आपका एल था। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट वाई से कंपैरिजन करके देखेंगे, देखिए ध्यान से, तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ भाई, आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो आपकी सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है ये क्या है आपका, अगर आप देखेंगे तो कितना है ये टू टाइम्स बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या रह गया आपका वन बाई टू एल टी बाई एम का स्क्वायर रूट। अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्या है बिल्कुल ये टू टाइम्स होगी किसकी फर्स्ट हारमोनिक्स की, तो इसका मतलब क्या है अगर आप देखेंगे आपका जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी सेकंड हारमोनिक्स है वो क्या है आपकी, जो सेकंड हारमोनिक्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट है, टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट हारमोनिक्स है, इन्हें हमारा ये हो गया। अब अगर हम थर्ड देखते हैं, अब थर्ड में इसको देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या है आपका भैया, आपका जो थर्ड है ये क्या है, अगर थ्री बार ले लेता हूँ तो अंदर क्या है आपका वन बाई टू एल, और ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम, यानी फर्स्ट है देखो। तो यहाँ से अगर देखूँ तो थर्ड फ्री जो हारमोनिक्स की फ्रीक्वेंसी है वो थ्री टाइम्स है किसकी फर्स्ट की, यानी इसका मतलब क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड की टू टाइम्स थर्ड की थर्ड टाइम्स, इसका मतलब क्या है आपकी ये इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी फ्रीक्वेंसी जो हारमोनिक आप जनरल निकालेंगे दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन हारमोनिक्स इंटरेस्टिंग इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका आपका फंडामेंटल हारमोनिक, जो पहले वाली हारमोनिक्स थी उसका फंडामेंटल। इसका मतलब क्या, अगर मैं फ्रीक्वेंसी एन निकालूँ वो क्या आएगा एन टाइम्स ऑफ फर्स्ट का। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया, और इसका मतलब ये क्या है आपकी नंबर ऑफ ओवरटोन कितने होंगे, अगर आपके हारमोनिक्स एन है तो नंबर ऑफ ओवरटोन कितना है, हमेशा एक कम है आपका एन माइनस वन होंगे। तो ये था आपका आर्टिकल स्ट्रेस स्ट्रेन का।
नेक्स्ट देखिए, हारमोनिक्स फॉर्मड इन दी ओपन ऑर्गन पाइप, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन आपका शो दैट हारमोनिक्स फॉर्मड इन ओपन ऑर्गन पाइप, इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल हारमोनिक्स का, बिल्कुल सेम आपका स्ट्रेस स्ट्रेन की तरह होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो कंसिडर एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ लेंथ एल, उसकी वेलोसिटी वी, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है जो ऑर्गन पाइप के अंदर है। एट बोथ ओपन एंड ऑफ पाइप एंटी नोड फॉर्म होते हैं, व्हेन टू एंटी नोड फॉर्म होते हैं ओपन एंड पे और वन नोड फॉर्म होता है। आइए इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ से क्या है ओपन है इस तरह से, और इसकी लेंथ कितनी है हम मान लेते हैं, इसकी लेंथ है एल है, इस पाइप की जो लेंथ है वो एल है, इसकी लेंथ है एल। ये इसकी लेंथ है, तो इसके अंदर जो आपकी रोटरी है आपको दिखाता हूँ, ये वाली इस तरह से रोटरी रहता हूँ और आपकी इस तरह से, ये तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपके एंटी नोड है, मान लीजिए आपके ए वन, और ये क्या आपका यहाँ पे नोड फॉर्म हुआ है, ये आपका ए वन एंटी नोड, ये ए टू एंटी नोड, और ये यहाँ पे क्या आपका नोड है, मान लो एन वन इसका नोड है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करेंगे, तो मैंने ये क्या लिखा देखिए, यहाँ पे आपका एक ओपन ऑर्गन पाइप आपने मान लिया जिसका लेंथ कितनी है, इसकी एल है, और इसके अंदर आपकी लेंथ है इसकी एल ली है, एल है, और वी वेलोसिटी है साउंड की ओपन पाइप के अंदर, बोथ ओपन पाइप है। तो देखिए एंटी नोड आपके यहाँ पे फॉर्म हुए टू और एक नोड फॉर्म हुआ है, तो इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपका जो एल है, ये जो एल है आपका वो कितना है, ये हो गया आपका ए वन ए टू, और इसको अगर आप देखेंगे ये देखिए वन बाई फोर्थ है एक आपकी वेव का, तो आपका ये कितना है लैम्डा बाई फोर और ए लैम्डा बाई फोर, तो कितनी होगी हाफ हो गई है, तो इसका मतलब कितना है लैम्डा बाई टू है। मान लीजिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा वन फर्स्ट के लिए, फर्स्ट हारमोनिक के लिए, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे लैम्डा वन कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया टू एल, टू एल आ गया। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो आपकी क्या आगे फ्रीक्वेंसी, मान लो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको न्यू वन से दिखाते हैं, तो ये वेलोसिटी को वी से दिखाता हूँ, और लैम्डा कितनी है लैम्डा वन, तो यहाँ से आपकी कितनी आ गई वी वेलोसिटी और लैम्डा वन कितना आपका टू एल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हारमोनिक बोल लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, इसको हमने दिखाया न्यू वन से, ये कितनी आ गई आपकी वेलोसिटी बाई वेलोसिटी घुमा के लिखा है टू एल, ये आ गई आपकी। अब क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट हारमोनिक्स को हम फंडामेंटल हारमोनिक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर देखिए आपका व्हेन थ्री एंटी नोड फॉर्म और टू नोड फॉर्म होते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, तो अगर मैं डायग्राम से दिखाऊँ, आप सीधे बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हैं, पहले आप पहले बना लीजिए, मान लीजिए आपका ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं पहले, इसी के अंदर ये बीच की
या आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। मान ली आपकी इंसिडेंट थी, ये इंसिडेंट, तो ये क्या हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड, ये हो गई आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब आपके जो नोड फॉर्म हुए हैं और एंटी नोड फॉर्म हुए हैं, तो एक तो एंटी नोड ये है आपका, एक एंटी नोड यहाँ है, एक एंटी नोड ये है। तो ये आपका ए वन, ए टू, ये हो गया आपका ए थ्री। और जो नोड फॉर्म हुए हैं आपके, दो नोड फॉर्म हुए हैं, ये तो देखिए, ये क्या आपका एन वन, ये क्या आपका एन टू। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या है, अब यहाँ पे देखिए एल जो आपकी लेंथ है, ये क्या देखिए आपका, ये लेमडा बाई टू है, ये लेमडा बाई फोर, ये लेमडा बाई फोर है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका ए वन, ए टू, ए टू और ए टू, ए थ्री, ये कौन सा हिस्सा, फोर्थ हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है ये कितना आ गया आपका, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू आ गया है। यानी मान इसके लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा टू, यूज़ कर लेते हैं लैम्डा बाई टू, और ये भी कितना हो गया लैम्डा बाई टू, क्योंकि देखिए लैम्डा बाई टू तो ये है और वन बाई फोर्थ, वन बाई फोर कितना, लैम्डा बाई टू ये है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ये जो लेंथ है ये कितना आ गया, लैम्डा टू आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें क्या निकालनी है, सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेकंड हार्मोनिक्स निकालनी है, फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। मान इसके लिए हम न्यू टू यूज़ करते हैं, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका सेम वेलोसिटी बटे में लैम्डा टू। अब वेलोसिटी तो आपकी वी है और लैम्डा टू कितना है आपका, भी एल आया है, ये एल आ गया। अगर मान लो अभी यहाँ पे भी अगर मैं बिल्कुल सेम करूँ जैसे पीछे हमने किया था स्ट्रिंग के अंदर, इसको क्या कर सकता हूँ, मान लो मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका, दो से कर देता हूँ, टू से ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये क्या आपकी वेलोसिटी बटे में एल। इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये आपका टू टाइम्स और अंदर क्या हो गया आपका वेलोसिटी बाई में टू एल। अगर आप देखेंगे ऊपर हमने किया था यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट, वो क्या थी, वी बाई में टू एल थी। तो ये देखिए टू टाइम्स हो गई है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो आपकी ये हो गया टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो सेकंड हार्मोनिक्स की है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक्स इन ओपन ऑर्गन पाइप आ गई आपका, वो कितनी आई है, तो फार्मूला है आपका वेलोसिटी बाई में लैम्डा। लेकिन हमारी अगर देखेंगे ये जो न्यू टू क्या है आपका, ये टू टाइम्स है किसके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। जब थ्री एंटी नोड थे, टू नोड फॉर्म थे, और जो ये फ्रीक्वेंसी है सेकंड हार्मोनिक्स की जो हमने निकाली है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो हमारा क्या मिल गया आपको यहाँ पे, फर्स्ट ओवरटोन। अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए, व्हेन फोर एंटी नोड्स, व्हेन फोर एंटी नोड्स एंड थ्री नोड्स आर फॉर्म्ड, इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप बनाइए पहले, ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, ये आपके बीच की लाइन है। तो आपकी देखिए यहाँ पे आपका तो देखिए, इसके अंदर अगर आप देखेंगे अब आपके जो एक एंटी नोड यहाँ फॉर्म हुआ है, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे और एक एंटी नोड आपके यहाँ पे फॉर्म हुआ है। लेंथ अब भी आपकी उतनी है, इसकी लेंथ कितनी है, वही एल लेंथ है आपकी, जो ओपन ऑर्गन पाइप आपका है।
नेक्स्ट अंदर फॉर्म हुई है जो आपकी, अब ये क्या आपके एंट्री नोड, ये आपका एंट्री नोड वन, एंट्री नोड टू, एंट्री नोड थ्री, एंट्री नोड फोर, और जो नोड फॉर्म हुई है आपके भाई आपका ये वाला एक हो गया, ये वाला एन वन एन टू एन थ्री, तो थ्री नोड और फोर एंटी नोड फॉर्म हुए। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो एल है, अगर आप कंपेयरिंग करेंगे इसका, देखिए लैम्डा, ये पूरी लैम्डा है, यहाँ तक आपकी लैम्डा है और ये लैम्डा लैम्डा, तो कितना हो गया आपका, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसको, ए वन ए टू, ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए ए वन से लैम्डा टू कितना है आपका, ये लैम्डा बाई, इसके लिए थ्री यूज़ कर लेते हैं, टू आ गया यहाँ तक, ये कितना आपका बिल्कुल सेम आपका लैम्डा थ्री बाई टू, लैम्डा थ्री बाई टू, तो जो एल आ गया आपका थ्री टाइम्स हो गया थ्री लैम्डा थ्री बाई टू। हमारा मकसद क्या है, हमें निकालनी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हारमोनिक्स निकालनी, वो कितनी आएगी आपकी, अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया आपका, ये आएगा हमारा वेलोसिटी बाई में लैम्डा थ्री, और यहाँ से करेंगे वेलोसिटी और लैम्डा बाई थ्री कितना है, ये आपकी जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए लैम्डा थ्री कितना आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर भाई पीछे वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बाई टू एल बाई में थ्री, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो कितना आपका लैम्डा थ्री की वैल्यू है, टू एल बाई थ्री, तो जो फ्रीक्वेंसी आई थर्ड हारमोनिक्स की वो कितनी आ गई, अगर आप देखेंगे तो ये क्या क्रॉस ऊपर गया तो ये आपका कितना गया थ्री बाई टू एल बन गया, और साथ में क्या आ गया वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारी जो थर्ड हारमोनिक्स है दी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हारमोनिक ओपन ऑर्गन पाइप कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ गई थ्री बाई टू एल, और ये होगी आपकी वेलोसिटी। अगर इसको हम ध्यान से लिखें तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको भाई आपकी न्यू थ्री यानी तीसरी फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, ये थ्री बार निकाल लेता हूँ, अंदर क्या हुआ ये आपकी वेलोसिटी बाई में टू एल, और ये क्या थी हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। इसका मतलब क्या है, ये आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी जो आएगी वह कितनी है, थ्री टाइम्स है इनिशियल क्या थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ से हम देखेंगे दी फ्रीक्वेंसी थर्ड हारमोनिक्स जो आपकी है वो क्या थ्री टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, और इस थर्ड को क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन कहते हैं। तो अगर आप मान लो जनरल केस निकालेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी अगर एन हारमोनिक्स ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, तो जो आपका इंटीग्रल मल्टीपल आएगी, इसका मतलब कि अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें एन के लिए वो क्या आएगी, एन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट हारमोनिक्स के आएगी। इसका मतलब क्या, इसके अंदर अगर एन हारमोनिक्स है तो एन माइनस वन क्या होंगे, ओवर टोन होंगे। इसका बिल्कुल सेम रिलेशन है, सेम एक्सप्रेशन टाइप है, अगर वैल्यू देखेंगे जैसे कि आपके स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर थी। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो क्या है, हारमोनिक्स फॉर्म्ड इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कुछ इस तरह पूछा जाता है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट थ्री हारमोनिक्स इन वन क्लोज ऑर्गन पाइप इफ यू लॉस्ट ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, क्लोज ऑर्गन पाइप का निकालना है। तो आइए पहले जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप का आपको फर्स्ट, ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप मान लेते हैं, इसका वन एंड क्या है आपका क्लोज है, वन एंड क्या है इसका ओपन है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एल है, इसकी लेंथ है एल, तो इसकी लेंथ आपकी एल, ये एल है, वन साइड ओपन वन साइड ये कैसा है आपका क्लोज है, इसे एंटर मान लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए अगर मान लो आपको
कंसिडर एन ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड एंड लेंथ इज एल, वी इज बिलोज टू साउंड इन ओपन ऑर्गन, सॉरी इन ऑर्गन पाइप। एंटीनोड जो है फॉर्म्ड है एट ओपन एंड। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये एंटीनोड फॉर्म हुआ है। एंटीनोड ये क्या है, मान लो आपका इसका नाम है ए वन, और नोड कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्लोज एंड पे। ये क्या आपका, यहाँ पे नोड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मान लो आपका जो एल है बिल्कुल सेम वही निकालना, जैसे एल क्या है आप यहाँ पे आपका एन वन ए वन है, एन वन ए वन है, और वैन वन नोड एन वन एंटी नोड फॉर्म होता हुआ है आपका आपका ऑर्गन पाइप के अंदर। तो अगर आपकी जो वैल्यू आई एल की वो क्या हुई, देखेंगे अगर आप देखेंगे वन बाई फोर्थ पार्ट ये वेव लेंथ का, ये कितना लैम्डा बाई फोर, इसके लिए अगर हम लैम्डा वन यूज़ कर लेते हैं, लैम्डा वन बाई फोर हो गया, और यहाँ से अगर लैम्डा वन की वैल्यू निकालेंगे वो कितना आ गया, फोर टाइम्स ऑफ लेंथ आ गया। तो अब हमें निकालनी क्या, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, मान लो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो क्या होती है, वेलोसिटी बाई में लैम्डा, लैम्डा वन। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे क्या आ गई, वेलोसिटी, और लैम्डा वैल्यू कितनी है, फोर एल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स जो क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर होगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी बाई में फोर एल। इसको ही हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, दिस फर्स्ट हार्मोनिक्स इज कॉल्ड फंडामेंटल हार्मोनिक्स। नाउ व्हेन टू नोड्स एंटी टू एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं, तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, इवन टू नोड्स, वन नोड यहाँ है, सेकेंड नोड यहाँ पे है, टू नोड्स एंड टू एंटी नोड। तो एंटी नोड जो फॉर्म हुई आपका, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे है, ये आपका ए वन है, ये आपका ए टू है, और जो नोड फॉर्म हुए आपके, नोड एक आपका ये एन वन है, और ये क्या आपका एन टू है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेंथ अब भी आपकी उतनी ही, लेंथ कितनी है, एल है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे अभी एल क्या है आपकी, जो हो गया एन वन एन टू, पल्स में ये देखिए एन टू ए टू, एन टू ए टू, और यहाँ पे देखेंगे क्या लैम्डा बाई टू है, हाफ ऑफ वेव लेंथ ही वन बाई फोर्थ है। तो अगर देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं लैम्डा टू यूज़ कर लेते हैं, ये लैम्डा बाई टू, और पल्स में क्या वन बाई फोर्थ है, यानी लैम्डा टू की बाई फोर्थ हो गया है। अगर यहाँ पे देखें तो जो आपकी एल है वो कितना हो गया आपका, थ्री बाई फोर हो गया, थ्री बाई फोर लैम्डा टू। और यहाँ से अगर लैम्डा टू निकालेंगे तो लैम्डा टू कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आपका फोर एल बाई थ्री। अब हमारा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सेकंड हार्मोनिक अगर आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं न्यू टू, तो सिंबल ये है, तो आपकी क्या वेलोसिटी बाई में लैम्डा टू। अब वेलोसिटी और लैम्डा बाई टू की वैल्यू कितनी है, अभी ये आपकी आई है फोर एल बाई थ्री, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जाइए थ्री बाई फोर एल हो गया, और ये आपकी वेलोसिटी थी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, देखिए आपकी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, थ्री को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या है आपका ये हो गया वेलोसिटी बाई में फोर एल। और ये क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, अगर देखा थ्री टाइम्स ये क्या है वी वन है, यानी कि न्यू वन है। इसका मतलब जो आपकी सेकेंड हारमोनिक्स है वो क्या है,
थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स है। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपकी सेकंड हार्मोनिक्स की है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवर टोन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका है, व्हेन थ्री नोट्स थ्री एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं, तो देखिए के अंदर आपके थ्री नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट इस तरह से और ये आपके ऐसे। ये आपका डायग्राम बन गया। इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए फर्स्ट एंटी नोड, सेकंड एंटी नोड और ये थर्ड एंटी नोड, और थ्री के आपके नोड फॉर्म हुए इसके अंदर जो है। अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे ये आपका होगा फर्स्ट एंटी नोड, सेकंड एंटी नोड, थर्ड एंटी नोड, और इसी तरह ये आपका क्या है नोड एन वन, नोड एन टू, ये हो गया नोड एन थ्री। लेंथ अब भी आपकी उतनी है, एल लेंथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आप। अब यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए आपका जो L है, अब यहाँ से आप लिखेंगे क्या, देखिए एन वन एन टू, एन वन एन टू, एन टू एन थ्री और एन थ्री लास्ट क्या ए थ्री। ये देखिए क्या कंप्लीट क्या है, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, ये क्या लैम्डा बाई फोर है। तो अगर मैं यहाँ चौंकी करें तो लैम्डा इसके थ्री यूज़ कर लेता हूँ, लैम्डा थ्री बाई टू, लैम्डा थ्री बाई टू और लास्ट वाला हिस्सा क्या आपका लैम्डा थ्री बाई ये फोर हो गया। इसका मतलब कि आपका जो एल आ गया वो कितना होगा फाइव बाई फोर लैम्डा थ्री आ गया। अगर यहाँ से मैं लेंथ निकालूँ सॉरी लैम्डा थ्री निकालूँ तो लैम्डा थ्री कितना फोर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ फोर बाई फाइव टाइम्स ऑफ लेंथ। अब ये आ गया, हमें क्या निकालनी है थर्ड हार्मोनिक्स निकालनी है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है ये थ्री जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, ये होती है आपकी वेलोसिटी बाय में हो गया आपका लैम्डा थ्री। और यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी और जो लैम्डा थ्री की जो वैल्यू वो कितनी है फोर पाई बाई फाइव एल है। इसका मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितना आएगी आपकी, देखिए ये ऊपर जाएगा आपका क्रॉस फाइव बाई फोर, ये आपका वेलोसिटी था और नीचे क्या आपका ये आ गया एल। अब यहाँ से अगर आप देखिए फ्रीक्वेंसी ये है आपकी थर्ड हार्मोनिक्स की, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो थर्ड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी आई है वाई फाइव बाई फोर एल इंटू में वेलोसिटी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं फाइव को बाहर ले लेता हूँ तो ये कितना आपका वेलोसिटी बाई में फोर एल है। इसका मतलब कितना है फाइव टाइम्स क्या है भाई, ये वैल्यू किसकी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की है जो स्टार्टिंग की थी। इसका मतलब क्या आपकी जो थर्ड हार्मोनिक्स है वह फाइव टाइम्स है फंडामेंटल हार्मोनिक्स की। इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी जो थर्ड हार्मोनिक्स की है उसको हम सेकंड ओवर टोन कहते हैं और वो क्या है फाइव टाइम्स है आपकी फंडामेंटल हार्मोनिक्स की। दस फ्रीक्वेंसी जो एन हार्मोनिक्स अगर आप निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मैं अगर एन हार्मोनिक्स निकालूं तो एक फर्स्ट आया फर्स्ट की वन फिर थ्री फिर फाइव, तो इसका मतलब क्या ओड इंटीग्रल मल्टीपल है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल है यानी टू एन माइनस वन टाइम्स वो क्या आएगी फंडामेंटल हार्मोनिक्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन हार्मोनिक्स इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स। तो इस तरह से क्या था हमने अभी क्लोज ऑर्गन पाइप की हार्मोनिक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टोन निकाला ड्राइव किया।